साहुनम ए सो पंचनम यारो सव पाव पेणा सनो मंगलालम सम कلمम हवई मंगलम मूल एक अधिनाथ भगवान परमात्मा परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी उनके पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य महावीर जी जी उनके शिष्य परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी उनके शिष्य परम पूज्य आचार्य सन्नति सागर जी उनके पट्ट शिष्य परम पूजा सुनील सा जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ प्रणाम करता हूँ और आचार्य सकल कीर्ति स्वामी के तरह विरचित इस सुभाषित रत्नावली के इस एक नंबर के श्लोक को वन सेवेंटी सेवन नंबर के श्लोक को मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा आपके सामने इस श्लोक के प्रकाश को इसके ज्ञान की किरणों को आप तक मैं लुटाना चाहूँगा पहुँचाना चाहूँगा चंद्रोत्रकम जिनी चंद्रो पकम चंद्रोपक मतलब क्या चंदोवा जब भगवान जहाँ पर बैठते हैं जहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है वहाँ पर एक सुंदर स्वभाव सुंदर से कपड़े में कुछ कसीदा कारी करके उसमें कुछ बेल बूटे बना करके उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी करके उसको लगाते हैं जहाँ भगवान विरासते हैं इसके ऊपर कई सारे लोग जहाँ मुनराजों का आहार होता है उनके सिर पर भी लगा दिया करते हैं चंदोवा कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भले कसीदाकारी वाला नहीं तो सिंपल सा कपड़ा भी वहां लगा देते हैं जहाँ पर आहार बनाया करते तो अपनी अपनी सोच है अपनी अपनी परंपराएं हैं तो यहाँ पर आश्चर्य लिखते हैं कि जो चंद्रोपकम ने दत्त यो भक्ति तत्पर है एक शत्र ला निर्वृतिम्रजित आचर्यो लिखते हैं कि भक्ति तत्पर पहली शब्द क्या है भक्ति में तत्पर हुआ हालांकि ये जो भक्ति तत्पर शब्द है ये शब्द इस लाइन के आखिरी में आ रहा है पहली लाइन के आखरी आ रहा है। के आखिरी में पर सबसे शुरू अंदर है भक्ति तत्पर हा। जब मैंने भक्ति पैदा होती है जब मन में श्रद्धा पैदा होती तो कुछ देने की भावना पैदा होती है नहीं तो पूरा जीवन बस कटोरा लेकर के बीते जाता है तुम मुझे ये दो तुम मुझे वो दो लेकिन जब आपके मन में उस व्यक्ति के लिए स्नेह पैदा होता है उस स्थान के लिए आपके मन के अंदर एक सद्भावना पैदा होती है उन चीजों के लिए जब आपके मन के अंदर उन बिल्डिंगों के लिए जब बिल्डिंग हो या फिर उस जिन में मंदिर जी के लिए आपके मन के अंदर भाव पैदा होता है तो फिर वहाँ जाते हैं वहाँ आप कुछ देते हैं कुछ नहीं बने तो कम से कम समय तो देते हैं वहाँ सेवा तो करते हैं वहाँ चीज़ों को व्यवस्थित तो मैनेज करते हैं तो महिलाएं ऐसी भी होती कि पुरुष ऐसे भी होते हैं कि वे सबसे पहले मंदिर में जा करके देखते हैं क्या देखते हैं कि कहाँ कौन सा शास्त्र अव्यवस्थित बिखरा हुआ पड़ा है कहाँ कौन सा बर्तन कहा कौन सा फर्नीचर अव्यवस्थित पड़ा है जहाँ रखा होना चाहिए जो जगह है अगर वहाँ नहीं है तो वो धर्मात्मा पुरुषों धर्मात्मा महिला उन बर्तनों को उन शास्त्रों को उन फर्नीचर को मंदिर के अंदर व्यवस्थित रूप से जगह देते हैं कुछ लोग तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मंदिर का सीए वाला हिसाब किताब करते हैं धर्मशालाओं का सीए वाला हिसाब किताब करते हैं सीए हो तो सीए वाला हिसाब किताब करते हैं लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एडवोकेट होते हैं जो वकील होते हैं तो अगर मंदिरों के धर्म संस्थाओं के कागजात में कहीं कोई कमी होती है या इन संस्थाओं पर धार्मिक संस्थाओं पर कहीं कोई प्रहार होता है कहीं कोई कानूनी दबाव कोई अड़ा देता है कोई गुंडा बदमाश आ जाता है तो कानूनी रूप से अपनी वकालत के दम पर वो उन संस्थाओं की रक्षा किया करते हैं तो कुछ दे रहे होते हैं आप आप भी भी इतने समर्थ बनिए, आप भी इतने, इतने ताकतवर बनिए कि मैं कहीं कुछ दे पाऊँ। सबसे पहले देने की भावना मन के अंदर डेवलप कीजिए जब मन के अंदर देने की भावना पैदा होगी तो ऑटोमेटिक आपको बदले में बहुत कुछ मिलने वाला है आप देना ही पसंद नहीं करोगे आपका देने का ही मन नहीं है हमेशा हाथ फैला भिकारी की तरह तो फिर कुछ आपको मिलने वाला नहीं है पहले देने की शुरुआत करो पहले दो 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 दो, दो, जो यह देव यह ददाती स देव संस्कृत भाषा का श्लोक है जो देने वाला होता है वो देवता बनता है और दिया कैसे जाता है भक्ति तत्पर शब्दों पर आचा ध्यान दीजिएगा ये कोरे शब्द नहीं है किसी आम इंसान के, कि के किसी सड़क छाप व्यक्ति के किसी भोगी विलासी के मुंह से निकले शब्द नहीं है ये महान आचार्य के मुंह से निकले हुए शब्द है। भक्ति तत्पर है जो भक्ति में तत्पर होता है कि लोग तो ऐसे होते हैं जो पिक्चर देखने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा एक टांग पर खड़े रहते हैं आपको वहां पिक्चर लगी चलो सारे काम छोड़ के पिक्चर देखने चले जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जब राजनीति की सभाएं होती हैं जब राजनीति के मंच होते हैं वहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं कोई सब नेता आए कोई सब मंत्री आए किसी पार्टी का आए उनका काम होता है जाकर भीड़ बढ़ाना कुछ धर्मात्मा ऐसे भी होते हैं भक्ति ले तत्पर होते हैं कहाँ कौन से मुनिराज आ रहे हैं कहाँ पर होने वाले हैं बताओ कहाँ पर पूजन विधान होने वाला है कहाँ पर धर्म क्रियाएँ होने वाली है कहाँ पर अशुद्ध स्वरूप हम कहाँ पर आत्मा को परमात्मा बनने की कला सिखाने की दो बातें होगी वहां वो बिन बुलाए पहुंच जाते हैं दो बहनें बात कर रही थी दोनों की अलग अलग शादी हुई थी तो एक बहन जो कुछ दिनों पहले ही भाई की शादी अटेंड करके आई थी वो अपनी दूसरी बहन से पूछती है तू तो भाई की शादी में क्यों नहीं आई तुझे बुलाया था ना तो वो दूसरी बहन तपाक से बोलती कि वो मुझे तो कोई इन्विटेशन लेटर मिला ही नहीं मुझे तो मुझे तो कार्ड मिला ही नहीं मुझे निमंत्रण पत्र मिला ही नहीं तो पहली बहन बोलती है मैंने निमंत्रण पत्र अपने हाथ से भेजा था उसमें एक लाइन मैंने और लिख दी थी चाहे कार्ड मिले न मिले लेकिन तू जरूर आ जाना चाहे लिखा था चाहे कार्ड मिले ना मिले तू जरूर आ जाना तो आपकी शादी में जाते हैं तो आपको पहले निमंत्रण पत्र मिलता है क्या तो वो जो शब्द होते हैं निमंत्रण पत्र जो कार्ड होता है वो जो कार्ड के जो शब्द होते हैं वो शब्द वो शब्द क्या करते हैं वो शब्द आपको किसी रागी से भोगी से मिलाने काम करते हैं उस निमंत्रण पत्र के हर एक शब्द उस इनविटेशन कार्ड का हर एक शब्द ये तो पत्नी से या पति से मिलन करने के दृश्य को दिखा रहा होता है और आस का हर एक शब्द ये आत्मा के परमात्मा से मिलन को दिखा रहा होता है आज हम सब आए यहां पर, पर। भली बैठे यहां पर भले आप घरों बैठे होंगे भली साक्षात रूप से आपके सामने मुनराज को तपस्वी को त्यागी नहीं बैठे हैं पर उसके बावजूद भी आपके मन के दिल के किसी कोने में तपस्वियों के लिए त्यागियों के लिए मुनराजों के लिए कहीं तो श्रद्धा होगी वो श्रद्धा की तार आज आपको इस टीवी के सामने आपको बिठाया है इसी टीवी पर इसी मोबाइल पर बहुत कुछ ऐसा होता जो नहीं होना चाहिए दुनिया भर के भोगो विलास की और दुनिया भर की हत्याओं की षड्यंत्रों की ढेर सारी खबरें इस मोबाइल के भीतर आती रहती हैं। लेकिन जिस घड़ी जिस क्षण जिस मौके पर इस मोबाइल का टीवी का उपयोग साधु संतों के दर्शनों के लिए किया जाता है साधु संतों के मुख से निकलने वाली अमृतवाणी को सुनने के लिए किया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे हत्या और कपट और पाप और षड्यंत्र और बलात्कार और, 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 और मर्डर वो सारी चीजों से जो अशुद्ध पवित्र मोबाइल होता है मोबाइल शुद्ध हो जाता है मोबाइल हुँ। को शुद्ध करने का टीवी को शुद्ध करने का मात्र मात्र एक ही तरीका है जिनके मन हुए है, शुद्ध हुए हैं जिनकी आत्मा शुद्धि हुई है जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा के परमात्मा के ध्यान से अपने मन को निखारा है जिन्होंने अपने रूप को निखारा है रूप मतलब अपने आत्मा के रूप को स्वरूप को निखारा है उन संतों के चरणों में बैठने का साक्षात अवसर नहीं मिला तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन टीवी ने मोबाइल ने चैनल ने कई सारी सुविधाएं आपके सामने ला करके रख दी है आचार्य भगवान लिखते हैं जो चंदोबो का दान करता जो चंदोबा चढ़ाता भक्ति में तत्पर होकर के क्या होता है एक छतम सदराज्यम लब्धवा एक छत राज्य को प्राप्त करता है बड़ा भारी सम्राट बनता है और बाद में क्या होता है निर्वत्तिम व्रजित मुक्ति को भी प्राप्त होता बताइए एक सिंपल सा कपड़ा उस ना वो सिंपल कपड़ा नहीं है भक्ति में तत्पर हुए जीव ने भक्ति में भरे हुए एक ऐसी आत्मा ने एक भव्य जीव ने बड़ी मेहनत से पैसा खर्चा करके टाइम खर्चा करके उच्च चंदैव का खुद निर्माण किया है किसी से निर्माण करवाया है रब वो ला करके वो चंदो ला कर के, वो चंदो ला करके पहुंचा दिया है कहाँ पहुंचा दिया है कहाँ लगा दिया है मंदिर जी में लगा दिया है तो इस, इसका प्रभाव क्या है इसका प्रभाव ये है इसका फल ये है इसी उपलब्धि ये मिलने वाली है कि ऐसा जीव एक छत्र राज्य को प्राप्त करता है बड़े भारी साम्राज्य का साम्राज्याधिपति बनता है बड़ा भारी सम्राट बनता है बड़ा भारी राजा बनता है ढेर सारे हजारों लाखों लोगों का लीडर बनता है नेता बनता है अब जैसे हम सीएम कहें हम पीएम कहें वर्तमान की भाषा में बाद में वो मुक्ति को प्राप्त होता है क्यों मन के अंदर सजना चाहिए।, सुंदर होना चाहिए।, के के होना चाहिए और जब उसकी ऐसी भावना होती है मंदिर में आकर्षण होना चाहिए मंदिर में खिंचाव होना चाहिए तो मंदिर में खिंचाव कितना हुआ तो भगवान जाने लेकिन उसकी पर्सनैलिटी के अंदर उसके व्यक्तित्व के अंदर ऐसा चुंबक पैदा हो जाता है कि वो इंसान औरों को खींचने वाला बन जाता है वह इंसान औरों को ऑटोमेटिक अपने आप आकर्षित करने वाला बन जाते हैं कई सारे लोग बड़े बड़े सेमिनार लगाते हैं बड़ी बड़ी वर्कशॉप कार्यशालाएं लगाते हैं कई 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 लोग लोग बड़े बड़े लेक्चर देते हैं भाषण देते हैं कि लोगों को आकर्षित कैसे किया जाए लोगों को अपनी तरफ खींचा कैसे जाए प्रभावित कैसे किया जाए लेकिन जो जींद्र भगवान का भक्त होता है जब भक्ति से भरा हुआ जीव होता है वो समझता है कि लोगों को खींचने का सिर्फ एक तरीका है सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है लोग भक्ति से दूर जा रहे हैं लोग भजन से दूर जा रहे हैं लोग सदा से दूर जा रहे हैं लोग तप और त्याग से कोसों 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 दूर चले जा रहे हैं हजारों किलोमीटर दूर चले जा रहे हैं तो भक्ति से दया से दान से तपस्या से त्याग से स्वाध्याय से मंत्र जाप से जो लोग भाग रहे हैं दूर भाग रहे हैं उनको वापस खींच करके वापस धर्म में लेकर के आ जाए इन जापों के अंदर इन मालाओं के अंदर इन मंत्रों के अंदर इन मरराजों के अंदर इन धर्मशालाओं के अंदर इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या किया जाए ताकि और और लोग जुड़ते चले जाए कारवा बनते चले जाए ऐसा क्या किया जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी सोच होती है जिसकी सोच होती है कि मंदिर धर्मशालाएं और स्वाध्याय और इन पवित्र अनुष्ठानों के अंदर अधिक अधिक लोग आकर्षित हो प्रभावित हो भाग ले ऐसा क्या करूं मैं तो इस सोच का फल ये होता है कि ग्रस्त जीवन के अंदर उसे इतनी तरक्की मिलती है उसने इतनी तरक्की मिलती इतनी तरक्की मिलती है कि आने वाले जन्मों में ऐसा जीव सम्राट बनता है लिखा भी है आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा है जो जिनेंद्र भगवान कोणियों से जड़ा हुआ सुंदर चंदोवा भेंट करता सुंदर चंदोवा भेंट करता है लक्ष्मी को प्राप्त करता है महापुण्य का अर्जन करता है अब जिन भगवान के मंदिर के अंदर कुछ सजाने के लिए आप कुछ इंटीरियर कर रहे हैं आप कुछ डेकोरेशन आप कर रहे हैं आप परूषण पर्व जब पर्वषण पर्व आता है जब महान उत्सव त्यौहार होता है जब भगवान का निर्वाण कल्याण का, का पवित्र प्रसंग होता है तो सजा देते हैं मंदिर को मंदिर नहीं सजरा होता है या आपके मन का श्रृंगार हो रहा होता है आपका जीवन ही सजरा और सुंदर हो रहा होता है मन को जीवन को सुंदर बनाने के लिए सजाने के लिए बाहर बाहर के सजावट जरूरी होती है जब मंदिर सजते हैं तो भीतर से मन सजने लगता है पूरा सीधा रिश्ता होता है बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है भले आपको समझ पड़े ना पड़े लेकिन सीधा सीधा रिश्ता होता है जब प्रधानमंत्री आने वाला होता है जब किसी गांव के अंदर प्रधानमंत्री आने वाला होता है जब किसी गांव के अंदर राष्ट्रपति आने वाला होता है तो राष्ट्रपति के आने, आने से पहले सड़कें बन जाती हैं, सारा कचरा कूड़ा साफ हो जाता है स्ट्रीट लाइट लग जाती है सरकार की तरफ से कलेक्टर की तरफ से विधायक की तरफ से वहां के लोकल प्रभारी मंत्री की तरफ से उस गांव के अंदर ढेर सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक अपने आप हो जाना शुरू हो जाया करती है ऐसे ही जब परमात्मा दिल में उतरने वाला होता है जब मोक्ष आप पे करीब आने वाला होता है जब आप अपनी आत्मा को उपलब्ध और पाने वाले होते हैं तो अपनी आत्मा को पाने से पहले उस परमात्मा के साक्षात्कार करने से पहले उस मोक्ष लक्ष्मी के आने से पहले दुनिया की लक्ष्मी दुनिया का वैभव आपके पास में आने लगता है आपका पुरुषार्थ आपके हिलाए हुए हाथ पैर आपने हाथ

बुलाइए सौभाग्य को बुलाइए इसी ग्रंथ के अगले श्लोक के अंदर यही सकल कीर्ति आचार्य लिखते हैं घंटा समर्पित करने का फल घंटा जिन देव दत्ते यह पुण्य हेतवे घंटा दि सहित मुक्ति वरु भवेद जो मनुष्य पुण्य प्राप्ति का तरीका क्या है? टूल से टूल से डिवाइस है चाहे का घंटा हो या पूजा करने की थाली हो या मंदिर में वो पूजा करने की थाली रखने के लिए कोई टेबल हो कोई फर्नीचर हो या भगवान का अभिषेक करने के लिए कोई टेबल हो आप मंदिर जी के अंदर जो जो, जो जरूरी चीजें होती है वो जरूरी चीजें देते हैं वो मंदिर की जरूरतों को पूरा करते हैं तो आपके जीवन की जरूरतें पूरी पूरी होती है जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदा होने से लेकर मरने तक आपको क्या क्या चाहिए दिखने वाली वस्तुएं ना दिखने वाली वस्तु सब प्राप्त होती है भगवान की कृपा से भगवान के आशीर्वाद से जब घंटे आप भेंट करते हैं जब मंदिर में घंटे का आप दान करते हैं तो घंटा दान करने से क्या होता है घंटा द घंटा से ध्यान मिलता है मतलब क्या आप स्वर्गों के भोग भोगते हैं ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में आप देवता बनते हैं इस धरती पर आप बहुत कुछ अच्छा कर्म करके जाएंगे तो अगले जन्म में आपको उन सारे कर्मों का ब्याज के साथ में फल मिलने वाला है कहीं कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है कोई लालच आपको नहीं दिया रहा है आपको सच्चाई से मुखातिब किया जा रहा है आपको सच्चाई का दर्शन आपको कराया जा रहा है आप कर्म करेंगे फल तो मिलने ही वाला है कोई बच्चा है उसे माँ बोलती बेटा पढ़ ले लिख ले तो कुछ पैसे कमाएगा खानदान की तरक्की हो जाएगी तेरी वजह से खानदान का नाम रोशन हो जाएगा

प्रभावित हो जाता है एक दिन ऐसा भी जीवन में आता दुनिया उससे प्रभावित हो जाती है एक दिन जो प्राचीन आचार्यों के इन शब्दों पर शुरू कर देता है है एक दिन ऐसा भी उसके जीवन के अंदर आता है। लोग उसकी बताई बातों पर उसकी बताई राह पर चलना शुरू कर देते हैं और उसका लीडर बन जाता है सम्राट बन जाता है एक छत राज्य को प्राप्त करता है आज मंगल पवित्र क्षण है वो चंदोबा दान करने का घंटा दान करने का इतना कितना महान फल है इससे भी लाख गुना करोड़ों गुना अरबों खरब गुना फल मिलता है किसी मंदिर जी के अंदर भगवान की मूर्ति को दान कर देने से और साधारण मूर्ति को दान करने के अपेक्षा भगवान की मूर्ति दान करना उसका तो बाप रे इतना बेहद पुण्य इतना बेहद पुण्य पिछले दिनों बताया भी था उसका इतना ज्यादा पुण्य उसका कि आचार्य भगवान लिखते हैं कि ऐसा जीव तीर्थंक के समान पुण्य बंध को प्राप्त करता पुण्य फलता ऐसी महान विभिन्न को महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है